Next question, uh, question says In a double slit experiment, the two slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑप्टेनिंग 10 मैक्सिमास ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न और हमारे ऑप्शन है .01 .02 या पॉइंट या पॉइंट फाइव mm, ये अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं अगेन यहाँ पे सिंगल स्लेट और डबल स्लेट डिफ्रेक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ऐसा हमें पूछ लिया गया है आरे? ये अपने को पता है कि जब हम डबल की बात करते हैं तो आपका जो फ्रेंट विर्थ होता है बीटा उसको हम लिखते हैं लैमडा डी बाई डी लैमडा डी बाई डी और जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है जिसके बात करते हैं सिंगल स्लेट में उसकी विर्थ आएगी सिंगल आपके सिंगल स्लेट की वर्थ में वेट जो हम लिखते हैं और उसको लिखते हैं टू लैमडा कैपिटल डी बाय बी ये आपके बी की यह आपकी विर्थ है सिंगल स्लेट की वेट है यह तो इस तरह से आप ये दो फॉर्मूले लिख सकते हैं अब हम चाहते हैं कि इस वर्थ के अंदर दस मैक्सिमा आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया हम कहते हैं टू लेमडा डी बाई डी विल बी इक्वल टू टेन टाइम्स बीटा यानी कि टेन मल्टीप्लाइड बाई लैमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई डी हाइट बस इसको और इसको दो आ, आ, एक मिनट टू लेमडा डी बाई बी आएगा यहाँ पे इन दोनों को हमने इक्वेट करना है बी की वैल्यू निकालनी है नाउ लेमडा विल गेट कैंसल डी विल गेट कैंसल तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू आ जाएगी स्मॉल बी Uh, वो हो जाएगा टू डी डिवाइडेड बाई टेन बस यहाँ पे वैल्यू रख के अपने को आंसर मिल जाएगा वैल्यू uh, अपने को दे रखी है, ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई जो आपका सिंगल सेट uh, का डिस्टेंस वन मिलीमीटर है सो so, ये वन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइड बाई टेन सो बी की जो अपनी वैल्यू हो गई ये हो जाएगी टू uh, uh, ये हो जाएगी ज़ीरो पॉइंट टू एम एम सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 0.2 पॉइंट टू एम एम वुड बी द राइट आंसर